वैसे तो जाके आप YouTube पे सर्च करोगे कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है, तो हजारों में लाखों में वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ कि 2023 में YouTube चैनल प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाया जाता है। अगर जाके आप YouTube पे सर्च करोगे 2023 में YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाते हैं, बड़ा बड़ा यूट्यूबर का वीडियो मिल जाता है आपको वहां पे। लेकिन बड़ा यूट्यूबर ओनली आपको कंप्यूटर से या लैपटॉप से आपको यूट्यूब का चैनल बना के दिखाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बताने वाला हूँ अपने स्मार्टफोन से प्रॉपर तरीके से यूट्यूब चैनल को बना के हम आप लोग को 2023 में यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है सही तरीके से, और क्या क्या सेटिंग किया जाता है पूरा प्रोफेशनल तरीके से मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते, हम आपको दिखाते 2023 में प्रोफेशनल तरीके से और संपूर्ण तरीके से YouTube चैनल कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सा सेटिंग इस चैनल में किया जाता है एक प्रोफेशनल YouTube चैनल बनाने के लिए, क्या क्या सेटिंग किया जाता है और क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, चलो मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, हम आपको दिखाते किस तरीके से प्रोफेशनल एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया जाता है 2023 में। YouTube चैनल बनाने का बेस्ट तरीका मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने YouTube को खोल लेना होगा। YouTube खोलने के बाद जैसे आपका YouTube खोलोगे YouTube का आइकन आएगा यहाँ पे, तो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे प्लस के निशान पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको अपना लॉग खोल लेना है। लॉग खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम हो गया और यहाँ पे सेकेंड नाम, फर्स्ट नाम सेकंड नाम हो गया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद आज देख सकते हो उसके बाद महीना डालना है, उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है। आज कितना तारीख हो गया, आज 14 तारीख हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 1988, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल डालना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट नहीं ले रहे, तो यहाँ पे मेल पे हम डाल देते। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से देख सकते हो इस नाम का जीमेल आईडी ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका नाम हम कुछ यहाँ पे चेंज कर देते हैं। नाम चेंज करने के बाद यहाँ पे ओनली एम डाल देते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करते। नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोसेस पहले कम्प्लीट कर लिया हम, फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट करते। उसके बाद इस एरो पे क्लिक करते। एरो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है हमारे सामने। तो यहाँ पे जैसे हम जीमेल पे क्लिक करते हैं तो ये बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये बोल रहा है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम नाम लिख चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक नंबर डालते हैं, कुछ नंबर आपको इस हिसाब से डाल देना है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो फिर से सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे क्या किए, जून का महीना डाल दिए, यहाँ पे आपको डालना है। फिर से यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको सब सिंपली सी बात, यहाँ पे समझने वाली बात यह आ जाता है कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जो नाम आप पहले लिखे हो वही नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे कोई भी स्पेस आपको यहाँ पे नहीं देना होगा। उसके बाद एक नंबर आपको डालना होगा। नंबर डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करते हो नहीं आता है, यानी कि ये नंबर से पहले से बना हुआ है। फिर से हम नंबर डालते हैं, ये नंबर भी पहले से बना हुआ है, तो हम दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, जो नंबर यहाँ पे नहीं बना होगा वो नंबर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, 1166, ये भी नंबर का पहले से बना हुआ है। तो अभी हम क्या करते हैं, 8899, तो ये भी पहले से बना हुआ है। जो नंबर नहीं बना होगा वो ऑटोमेटिक से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। ये पहले से बना हुआ है, देख सकते हो 46, हाँ, तो ये नाम का बना हुआ नहीं है, तो देख सकते हो आ गया यहाँ पे, इसको हम क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर नाम लिखना है
कुछ इस हिसाब से आ चुका है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद फाइनली देख सकते हो फिर से सेलेक्ट नहीं ले रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर से एक नंबर डालना होगा। तो देख सकते हो हमारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट में आपको क्या डालना है, आपको याद रखना है 6 डिजिट का या 8 डिजिट का आपको पासपोर्ट यहाँ पे लगाना है। चलो हम यहाँ पे पासपोर्ट डाल देते हैं, यहाँ पे हम पासपोर्ट डाल दिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद देख सकते हो वो पासपोर्ट हमारा सेलेक्ट नहीं लिया, तो अभी हम दूसरा पासपोर्ट हम डालते हैं। चलो ये पासपोर्ट भी हमारा सेलेक्ट नहीं ले रहा है। तो फाइनली ये पासपोर्ट भी हमारा सेलेक्ट नहीं ले रहा है, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे पासपोर्ट पे फंस जाता है। ठीक है, तो पासपोर्ट जो पासपोर्ट आपको एक बार में पासपोर्ट सेलेक्ट नहीं लेता है ना, ये पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो पासपोर्ट ले रहे नहीं ले रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैपिटल में थोड़ा सा नाम डाल देते हैं। उसके बाद अब हम नंबर डालते हैं, देख सकते हो भी नहीं ले रहे। तो फाइनली हमारा पासपोर्ट सेलेक्ट हो चुका है। पासपोर्ट सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से एरो पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये भी यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे जीमेल आईडी बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे एलो पे क्लिक कर देना। एलो पे क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल बनने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आपका जीमेल आईडी बन चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अभी जो आपका यूट्यूब चैनल है किस तरीके से, देख सकते हो आपका यूट्यूब चैनल शो होने लगा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उस जीमेल आईडी जो बनाए उसको आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन हो चुका है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आपका यूट्यूब चैनल बन के रेडी हो चुका है। अगर आप यही नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आपको नाम चाहिए उस हिसाब का नाम आपको यहाँ पर वो नाम आपको सेव कर लेना। उसके बाद यहाँ से सेव के क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे चैनल क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे चैनल क्रिएट पे क्लिक करते हो उसके बाद आपका चैनल बन के रेडी हो चुका है। हमारा ये देख सकते हो हमारा ये रहा यूट्यूब चैनल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो हमारा यूट्यूब चैनल बन के रेडी हो चुका है। अभी इसमें बहुत सारे काम होता है, इसको कस्टमाइज कैसे किया जाता है, इसमें बहुत सारा सेटिंग होता है, बहुत सारा सेटिंग होता है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है, इसका जो है वो होता है ना, इसका कस्टमाइज, इसको कैसे किया जाता है, बैनर कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, यूट्यूब चैनल में कौन कौन सा ऐसा सेटिंग है जिस सेटिंग को आपको ऑन करना चाहिए, जिस सेटिंग को आपको करना चाहिए, उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको यूट्यूब का पूरा नॉलेज, पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है, A to Z सेटिंग किस तरीके से किया जाता है, एक सक्सेस यूट्यूब चैनल को बनाने के लिए कौन कौन सा सेटिंग, कौन कौन सा ऑप्शन को ऑन किया जाता है, पूरा इस चीज़ इस वीडियो पर आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल को कैसे वेरीफाई किया जाता है, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जो हमारा भाई 2023 में अपना यूट्यूब चैनल बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, हर सेटिंग के साथ बनाना चाहता है, तो इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग।